गाइस के सब लोग चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। टैगो एक न्यू मिशन देता है उसका सिस्टम, उसकी बहन को उसके गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा। टा सोचता है ये तो गलत बात है, मुझे मेरी बहन ने बुलाया उसे घर में रहने के लिए, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उस सोचता है और मिस्टर लियू सुन बारे में बताता है कि वो भी ऐसे एक बार पकड़े गए थे, उसके पास नाजायज बच्चे थे, वो अभी अनाथ है। आप गाइस सोच लो कैसे अनाथ है। जैसे लियू सुन की फोटो दिखाते वो बोलते हैं कि मैंने कभी ऐसा कहा था, गाइस सच में नहीं बोलते, वो ऐसे आपके मजाक के लिए बोले थे। वो बोलते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा था, मैंने तो ये बोला था जो अच्छा आदमी है वो कि जितना भी बोले आप मना कर दीजिए, ये एक अच्छा आदमी का प्रकृति। उसके बाद मोटा बोलता है आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, मेरे जगह पे आके इमेजिन करो आप इसे मैं कैसे हैंडल करते, आप मेरे जगह पे आके देखो ना कैसा होता है यहाँ पर। मोटा इमेजिन करता है उससे पीछे एक गाय है, वो गाय के लिए भी पियानो बजा रहा है, सिस्टम बोल सिस्टम जो बोलेगा वो उस करना ही पड़ेगा। इमेजिन करता है उससे शादी करने के बाद उससे 4 बच्चे हो गए, वो बहुत खुश होने लगता है, वो दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है मैं बच्चे लेकर मेरा तो एज भी नहीं हुआ, मैं तो जेल में जाऊंगा उसके बाद, मेरी किस्मत को पाने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बहुत भयानक है। ठीक है सामने उसका सिस्टम चला आता है, आप इसे मैनेज कर सकते हो, हमारा ये जो मिशन है ये कंप्लीट करने के बाद आपको सब प्लस मिलेगा, आपको हर एक में पॉइंट मिलेगा, हर एक एबिलिटी में एक एक प्लस हो जाएगा। मोटा अपनी इमेजिनेशन से बाहर आकर उन लड़कियों को बोलता है मैं आपके पास नहीं रह सकता आज रात के लिए। एक लड़की बोलती है क्यों आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते, मोटा बोलता है बस ऐसे ही, थैंक यू आप मेरे खाने का बिल पे करें और मैं मुझे बोले आपके पास रहने के लिए क्यों, मेरे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लड़की बोलती है छोड़ो ये बात, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मोटे वो लड़के खाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मोटा आकर बेड पर सो जाता है घोड़ा बेचकर। मोटा बोलता है आज का दिन बहुत खतरनाक था लेकिन बहुत फायदा है इसमें। उसके बाद मोटा का सिस्टम खोलता है, उसमें देखता है कि उसका लाइव स्ट्रीम में 80,000 लोग ऐड हो चुके हैं और उसका स्ट्रेंथ प्लस हो चुका है, उसका रनिंग स्पीड प्लस हो चुका है और उसका चार्म भी प्लस हो चुका है, उसका सब मिलाकर 80,000 हो चुका है पॉइंट। बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टम है। मोटे थोड़ी देर रेस्ट करके अक्टूबर 1 तारीख में वो तेंजान शहर में निकल जाता है, वो उज्जैन शहर में पहुँचने के लिए, और वहाँ पर वो पहुँच कर एक ड्राॅइंग बनाने लगता है। वो एक ब्रिज का ड्राइंग बनाता है जिसमें एक घर होता है और नीचे एक नदी होता है, उसका बोनस पॉइंट एक एक करके प्लस होने लगता है। वो एक नाम से एक ड्राइंग बुक बनाता है, उसका हैंड स्पीड 10 प्लस होता है और वो बहुत खुश होकर रास्ते में चिल्लाने लगता है। सॉरी गाइज मैं थोड़ा बोलना भूल गया कि जो मोटा है वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है, लाइव स्ट्रीम में बोलता है चले गाइज मैं ये ड्राइंग करके थक गया हूँ आपको मैं चलता हूँ ब्रिज दिखा कर आता हूँ। वो एक नाम बताने लगता है ये ब्रिज बहुत अच्छा है, ये गाइज एक ब्रिज का नाम है, वो क्या लिखा है मुझे चाइनीज में लिखा है इसलिए पता नहीं चलता। के बाद मोटा चक्कर उस ब्रिज में खड़ा होता है, वो बोलता है इस ब्रिज में बहुत अच्छा व्यू आता है, यहाँ पर इतना भीड़ इसलिए होता है ये ब्रिज देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। वो लाइव स्ट्रीम में मोटा बोलता है गाइज आप सबको दिख रहा है ना ये ब्रिज कितना अच्छा है और उतने चारों तरफ बहुत लोग हैं। मोटे जहाँ पर लोग होते हैं वो वहाँ पर देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है, देख कर मोटा भाग कर उस लड़के के पास जाने लगता है। वो लड़का वो लड़की को अभी तक परेशान कर रहा होता है, वो लड़की थोड़ी डर गई होती है। मोटा जाकर लड़के को एक घूसा मारता है और लोग भीड़ हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं क्या हुआ यहाँ पर, लड़का मार खा रहा होता है, वो बोलता है मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, आप भरोसा नहीं है तो मेरे ऊपर वो लड़की को पूछ लो। वहाँ पर जो आदमी लोग होते हैं वो उससे वीडियो बनाने लगते हैं, बोलता है क्या हुआ, और कोई बोलता है ये जो मोटा आदमी है ये बहुत साहसी है, कोई बोलता है ये जो नीचे बड़ा है बुरा है क्या, और कुछ लोग वो लड़की को घेर लेते हैं और लोग लड़की को बोलते हैं कि ये इतना सुंदर है तो ये इससे कोई छेड़ेगा ना, ये जो एक कहावत है मच्छी इंसान के ऊपर बेचता है लेकिन उसे डंक नहीं मारता, सब लोग ये छोटे लड़की को, लड़की बहुत डर जाती है
और वो मोटे की तरफ देखने लगती है। बोल मोटा बोलता है, इसने कुछ नहीं किया, इस लड़के ने बहुत बुरा काम किया है। वो लड़का हंसने लगता है। लड़की बहुत शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। मोटा सोचता है वो लड़की यहाँ पर ये बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन वो मना क्यों कर लिया। तो देखा था वो लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा था, वो अभी मना कर रहा है, मेरा आग धोखा नहीं खा सकता। पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, वो लड़की तो भाग गई, ये लड़का तो कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो, ये आदमी छोटा बहुत बुरा है, ये सब लोग बोलने लगते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं, तुम इस लड़के को माफ़ी मांगो, मोटे तुम इसे कुछ नहीं समझ के इसे मार दिए हो, अब तक उसे मार रहे हो और उसके ऊपर तुमने बैठा हुआ ही। वो लड़का बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मेरा कुछ भूल नहीं है। मोटे को बोलता है, मेरा जो इंजरी है उसका भरपाई कौन करेगा। मोटा बोलता है, ठीक है मैं इसे भरपाई कर सकता हूँ, मैं पहले पुलिस को कॉल करूँगा, वो आने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने इस वीडियो को मैंने मेरा कैमरा में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये जो होगा मैं पुलिस को ही दिखाऊँगा। नीचे पड़ा होता है लड़का, वो बोलता है, मैं तो मार खा रहा हूँ, तुमने क्यों पुलिस को कॉल किया है। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं, ये मोटा पागल हो चुका है, पुलिस को वो क्यों कॉल कर रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं, ये मारना जानता है, उसका दिमाग नहीं है शायद, वो पागल हो चुका है। भीड़ में एक लड़की होते है, वो बोलती है, तुम पुलिस को कॉल करो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देखा था ये लड़का वो लड़की को परेशान कर रही थी, मैं उसे जाने वाली थी, लेकिन ये मोटा आकर उसके ऊपर बैठ गया। लोग बोलते हैं, ये मोटे को आकर बचा रही है। मोटे वो लड़की की तरफ देखकर उसे बोलते हैं, थैंक यू आप मेरे तरफ आने के लिए। वो लड़का मना कर रहा होता है, तुम पुलिस को मत कॉल करो, मैंने उस लड़के को परेशान नहीं किया है, तुम मुझे छोड़ दो और भूल जाओ ये सब बातें। मोटा उस लड़के को बोलता है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा के ही रहूँगा, क्योंकि तुमने जिस तरह उस लड़की को परेशान किया है उस तरह तुम भी परेशान होगे। वो लड़की मोटे के कान में बोलती है, तुम इस लड़के को मत छोड़ना, पुलिस अभी आ रहे है उसे दे देना। मोटे की चारों तरफ जो लड़के होते हैं वो सब मोटे को ताना मारने लगते हैं, वो मोटे उस लड़की को क्यों उसे तरफ आ रही है, इस बंदे को छोड़ दे, तो सिर्फ उसे परेशान कर रही था ना, और कुछ नहीं कर रही थी, उसे मार नहीं रही थी ना। मोटे उन लोगों को चिल्ला कर बोलता है, तुम जानते हो ये आदमी ये गुनाह किया है कि नहीं, आप क्यों इतना तरफदारी कर रहे हो उसके। गाइज यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। गाइज हम कल देखेंगे कि इस लड़के जो नीचे पड़ा है वो पुलिस स्टेशन गया कि नहीं। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सायोनारा। गाइस वीडियो कैसे कमेंट में जरूर बताए करें।